नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरिया। वर्ल्ड कप 2019 चल रहा है और आधे से ज्यादा मैच खेले जा चुके हैं। वर्ल्ड कप सीजन में क्रिकेट से जुड़े पुराने किस्से सुनने का एक अलग ही मजा है। आज भी हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद ही आपने सुना हो। क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजों के लिए रनों की एक सीमा होती है, जैसे चौका, छक्का और क्रीज पर दौड़कर मिलने वाले रन, और अगर फील्डर इस बॉल को ओवरथ्रो कर दे तो बाउंड्री के साथ क्रीज के 3 रन जोड़कर 7 रन भी मिल सकते हैं। अगर बॉल नो हो तो 8 रन, लेकिन अगर एक बॉल पर 286 रन मिल जाए तो हो गए ना हैरान। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैच तो आपने कभी देखा ही नहीं जहां एक बॉल पर ही 50 ओवर में बनने वाला स्कोर बन जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसके लिए हमें क्रिकेट के इतिहास में जाना होगा। किस्सा है 15 जनवरी 1894 का। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया और स्ट्रेच 11 नाम की दो टीमों के बीच बॉनबरी के एक मैदान में मैच चल रहा था। मैच को देखने के लिए दर्शक काफ़ी दूर से आए हुए थे। दोनों टीमों के बीच मैच शुरू हुआ जिसमें विक्टोरिया ने पहले बल्लेबाजी की। मैच की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने लंबा शॉट मारा और बॉल जाकर किसी पेड़ पर अटक गई। कहते हैं ये पेड़ जरा का था। उधर सारे फील्डर बॉल ढूंढ रहे थे और इधर क्रीज पर दोनों बल्लेबाज लगातार दौड़ रहे थे। जब तक बॉल को ढूंढा और पेड़ से उतारा जाता, वो एक के बाद एक 286 रन भाग चुके थे। दोनों ने इस दौरान क्रीज के बीच करीब 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली थी। ये पेड़ मैदान के बीचों बीच था और फील्डिंग टीम ने अंपायर से ये अपील भी की कि गेंद को खोया घोषित कर दिया जाए ताकि बल्लेबाजों को रन लेने से रोका जा सके। उस समय क्रिकेट का मैदान लिमिटेड नहीं होता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर मैचों में बॉल ढूंढने में ही समय बर्बाद हो जाता था। मगर अंपायर्स ने ये कहकर अपील ठुकरा दी कि गेंद पेड़ पर फंसी हुई दिख रही है, इसलिए उसे खोया घोषित नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि फील्डिंग टीम ने किसी को पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लाने भी भेजा, मगर कोई कुल्हाड़ी भी नहीं मिली। फिर किसी ने घर से राइफल मंगवाई और बॉल पर निशाना लगाकर बॉल को पेड़ से नीचे गिराया। जब तक बॉल नीचे गिरी तो फील्डर साइड इतनी हताश हो चुकी थी कि किसी ने बॉल को कैच करने की भी कोशिश नहीं की। तब तक क्रीज पर विक्टोरिया के बल्लेबाज 286 रन भाग चुके थे और इस टीम ने इतने ही रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। एक गेंद पर 286 रनों का स्कोर अपने आप में ही रिकॉर्ड है। इस खबर का इकलौता सोर्स उस वक्त अंग्रेजी अखबार पॉल मॉड गैजेट को माना जाता है। बताया जाता है कि उसी के स्पोर्ट्स पेज पर यह अनोखी खबर छपी थी। उसके बाद ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका के कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी छपी। आज के लिहाज से इस खबर पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा अगर शुरुआती क्रिकेट की बात की जाए तो एक बॉल में सबसे ज़्यादा 10 रन दौड़कर लिए जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड साल 1873 में अल्बर्ट हानबाई ने बनाया था, जिस रिकॉर्ड की बाद में सैमुअल बोर्ड ने साल 1900 में बराबरी की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो एक बॉल में सबसे ज़्यादा 8 रन दौड़कर बनाए जा चुके हैं। पिछले दशकों में ये कारनामा लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स ने साल 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में किया था। इनके अलावा 3 और बल्लेबाज ने एक गेंद में 8 रन बनाए हैं, जिनमें डॉन ब्रेडमैन, पैट्सी हेंड्रिन और न्यूजीलैंड के जॉन राइट शामिल हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।